अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है का व्लॉग रात को इसलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि हम मुर्गियों को खाना डालने आए थे और मैंने देखा कि हमारी जो बबली है ना उसने एक अंडा दिया, लेकिन इस अंडे के साथ एक मसला है। ये फुल ऐसे सॉफ्ट शेल वाला अंडा है, जिसका मतलब है यहाँ तो हमारी बबली जो है वो अभी जवान है और इसे अंडा नहीं सही दिया गया, यहाँ तो फिर ये बूढ़ी हो चुकी है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी और यहाँ फिर इसको कोई कैल्शियम वगैरह की कमी है, तो इस वजह से जो है ना इसने नरम शेल वाला जो है ना वो अंडा दिया। देखते हैं शायद अगला अंडा जो है वो ये बेहतर दे दे। इसकी सारी अंदर जर्दी भी हिली हुई है क्योंकि वो शेल उसका सारा नरम है, तो ये अंडा तो ज़ाया हो गया इसका। देखते हैं और अंडा इसका सही निकलता कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह हो चुकी है, हम अपने सेटअप पे वापस आ चुके हैं और थोड़ा बहुत अफसोस हुआ है कि बंटी का जो पहला अंडा था वो ज़ाया हो चुका है। अब देखते हैं ये अगले 24-28 घंटे में अगला अंडा देती है या नहीं देती। और वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर मेरा कॉन्टेंट आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार दें कि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई आप चाहते हैं कि कोई मैं पेट यहाँ पे ला कर रखूँ इन पिंजरों में, उसका नाम मेंशन करें। पानी जो है वो चेंज करने वाला हुआ है हमारा बर्ड एवियरी में भी और चिकन कूप में भी, और चिकन कूप में थोड़ी सी फीड है तो सबसे पहले जो है ना वो हम पानी चेंज कर लेते हैं दोनों केजेस में। तो गाइस हम अपनी बर्ड्स एवियरी में आ चुके हैं और हमारी गोल्डी वो कोने में बैठी है और हमारे बटेर जो हैं वो नीचे से कुछ चुग चुग के खा रहे हैं और हमारी हीर नीचे बैठी है, रांझा साहब ऊपर बैठे हैं और हमारी लैला भी ऊपर है और इस अभी नाम नहीं रखा हमने, तो देखते हैं इसके लिए कोई नाम सोचते हैं और हम इनकी कनाली को ज़रा साफ कर देते हैं फिर इसके अंदर जो है ना फ्रेश पानी डाल देते हैं। कनाली रखने का भी फ़िलहाल ये फ़ायदा हुआ करेगा, ये जो है ना बर्ड्स वगैरह अच्छी तरह इसके अंदर अगर इनको गर्मी लगे तो नहा भी लिया करेंगे। हालांकि अब मौसम आगे ठंडा आने वाला है तो जब ठंडा मौसम स्टार्ट होगा तो मैं बड़े वाटर फीटर्स लेके आऊँगा वो रखूँगा, कनाली नहीं रखूँगा कि कोई बर्ड इसके अंदर गिर जाए तो उसको ठंड लग सकती है अगर जो है ना वो गीला हो गया पूरा, तो फिर जो है ना कनालियाँ निकाल देंगे हम और जो है ना वाटर फीटर से रख देंगे। अब क्योंकि इस हमारी बर्ड्स एवियरी में बजीज हैं तो हमें ज़रा एंट्री और एग्ज़िट जो है ना ज़रा ध्यान से करनी पड़ती है देख के। पहले तो जानवर जो पहले थे पिजन्स वगैरह वो बड़े थे, वो इतने आराम से निकलते नहीं थे बीच में से, लेकिन बजीज बड़े आराम से फ्लाई करके निकल के जा सकते हैं बाहर। तो चलो साइड पर टो भाई ये काम देखें इसकी फिर बाहर। गाइस इसको जो है ना मैं पकड़ने के बाद आपसे दोबारा मिलता, फाइनली जो है इसको बदमाश को मैंने पकड़ के जो है ना अंदर ले आए हम हमारी चिकन कूप में वापस। सांस चढ़ा दी इतने भगा भगा के छत पे। पानी जो है वो हम इनको भी फ्रेश पानी डाल देते हैं। अब जो विटामिन ड्रॉप्स लेके आए थे वो हम हर 2-3 दिन बाद जो है वो पानी में डाला करेंगे और कोशिश किया करेंगे जब विटामिन ड्रॉप्स डालें तो पानी
2 दिन चलाएं ताकि ज़रा इनको ड्रॉप्स का कोई फ़ायदा भी हो। हमारा जो ब्लैक शूज है वो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इसको कल जो है ना वो मैंने फ्लैजल की आधी गोली दी थी, तो देखते हैं इसका आज इसके अंदर थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है तो इसको एक और गोली देंगे। अभी तो भाग रहा है थोड़ा बहुत। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ जगह पे ना इस तरह के लूज मोशन से हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है इसका मैदा जो है ना वो अपसेट हो गया। तो इसको एक और फ्लैजल की गोली देते हैं ताकि इसका मैदा थोड़ा ठीक हो जाए। तो गाइस हम ये ना एप्पल साइडर विनीगर ले आए हैं, ये मुर्गियों के पानी में मिला देते हैं। और ये जो हम फ्लैजल की एक टैबलेट लेके आए हैं ये अपने इस चूजे को पकड़ के जो है ना वो खिला देते हैं। इसका फ़ायदा जो है ना ये होगा, इनके अगर मैदे में कोई कीड़े वगैरह हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह जो है ना फिर कीड़े जो है वो होंगे नहीं इनके प्रोड्यूस। थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर इनको डाल दिया पानी में और नेक्स्ट हम इस चूजे को पकड़ लेते हैं। ये बाकी चूजे पकड़ने में ना हमें मेहनत करनी पड़ती है, ये बेचारा आराम से ही अब हाथ आ जाता है, ये देख नहीं भाग के जाता ही नहीं है। तो इसको जो है ना हम फ्लैजल की गोली जो है ना खिला देते हैं। शराफत खा लो, भाग गया। तो गाइस मैं इसको टैबलेट खिलाने के बाद जो है ना वो आपको बताता हूँ कि हम इनकी फीड में क्या क्या मिलाने वाले हैं जिससे हमारे जो चूजों की डीवर्मिंग है ना वो हो जाए। गाइस टैबलेट इसे खिला दिया और इसका पानी जो है पानी भी हमने इसको ऐसे चोंच इसकी लगा के ना इसने थोड़ा सा पी लिया पानी भी, और अब इसको छोड़ देते हैं, ये खुद ही खुराक वगैरह खाएगा इंशाल्लाह। तो आप दुआ करें ये बेहतर हो जाएगा। जो मुर्गी हमारी सबसे बड़ी हो चुकी है ना वो ये वाली मुर्गी है, ये चेक करें इसका साइज़ देखें। छोटा सा चूज़ा लेके आए थे, अब ये प्रॉपर ऐसे बदमाश लगता है पूरा। तुम्हें क्या चाहिए? इनिशियली जो है ना इस चूज़े की हाइट छोटी थी, जिसमें सारे कलर हैं ब्राउन ब्लैक वाइट, इस चूज़े की हाइट छोटी थी, ये मुझे लगता है बड़ा होकर मुर्गा बनेगा। और अब माशाल्लाह से एकदम इसने भी हाइट निकाल लिया। फीड इनकी अभी जो है वो है और मैं इसलिए इनको और नहीं डाल रहा कि जितनी फीड है ना ख़त्म करें, और आसपास इन्होंने फैलाई भी हुई है तो वो भी ख़त्म करेंगे तो फिर ही जो है इनको नई फीड डालूँगा। इनकी फीड में आज बस डिवर्मिंग के लिए ओरिगैनो और जो धड़ा मिर्ची होती है लाल वो डाल देते हैं। जो मुर्गियाँ होती हैं ना इनके टेस्ट बड नहीं होते, तो आप इनको अगर मिर्चें डालेंगे भी तो इनको पता नहीं लगेगा कि ये इन्होंने मिर्चें खाई हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है, ये मिर्चें आराम से खा सकती हैं। तो गाइस हम ऊपर अपने सेटअप पे वापस आए हैं दोपहर को और ये मसाला सा बना के लेके आए हैं। इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो मैं आपको जो है ना बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने लाल धड़ा मिर्च डाली है और इसके अंदर मैंने काली मिर्चें साबुत डाली हैं। इसके अंदर मैंने कलवंजी ऐड किया है और ओरिगैनो लीव्स जो होते हैं ना ड्राइड वो ऐड करके ये मसाला बना के मैं ले आया हूँ। और ये हम अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं। तो ये जो है ना ये खा लेंगे तो इनका फ़ायदा ही होगा। वो देखते हैं बबली आई है बदमाशी करने, और इन्होंने सिर्फ मोटे मोटे फीड के दाने बचा लिए हैं, बाकी इन्होंने तकरीबन सब खा लिए और उम्मीद है ये इसको भी खा लेंगे। और हमारा ब्लैक वाला चूज़ा जो है ना ये बाकी चूज़ों से अलहदा होके बैठा रहता है क्योंकि इसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही अभी तक,
उम्मीद है इसको तबीयत एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसको हम मेडिकेशन तो दे रहे हैं पर साथ जो है ये देसी टोटके भी लगा रहे हैं, तो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए। बाकी आप लोग भी दुआएं करें कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और बाकी आप देख सकते हैं सारा सेटअप, कबूतर वगैरह ठीक हैं, बजिस देखें, उन्होंने कुछियों पे बैठना स्टार्ट किया, उड़ गए मेरे, मैंने उनकी तरफ कैमरा किया तो उड़ गए। और खाना वगैरह भी जो है ना उन्हें मिलना स्टार्ट हो गया, ये खाना स्टार्ट कर दिया। इनके जो ये छिलके बचा करेंगे ना, इन छिलकों का भी हम ये किया करेंगे, ये अपनी मुर्गियों और कबूतरों वगैरह को डाल दिया करेंगे, तो वो ये छिलके भी खा लेंगे। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।